गैसवा भराएगा कहाँ से? 1200 का गैस 1200 महंगा है? 1200 महंगा नहीं है आपको? देश हित में महंगा है? देश हित में महंगा? मोदी जी जो काम करते हैं ना, रोज झूठ बोलेगा? क्या झूठ बोला? अरे 2 करोड़ रोजगार मिला है कहाँ, बताइए? नहीं मिल रहा है? क्या बात कर, कहाँ मिला है? हर साल 2 करोड़ मिल रहा है, कहाँ मिला बताइए? सरकारी नौकरी, पकौड़ा तलना भी रोजगार है? अरे तेरी बुद्ध के, तो उन्हीं को बोलिए पकौड़ा तलने। मोदी जी शेर को चाहिए, गीदर है? गीदर है? पाकिस्तान कब काप रहा था? हमेशा कांपते रहा है पाकिस्तान, और चाइना के आगू तो घुटना टेका हुआ है। देश हित में काम करे आप लोग, उनका विरोध करते नहीं है तो क्या? अरे देश के वो गद्दार हैं, मोदी जी, नीतीश जी बना रहे हैं। भाई हम गठबंधन था बीजेपी के साथ, गठबंधन था, छोड़ के ये भागे हैं? छोड़ के पूल किसके निर्णय में गए हैं? नशा करने वाला कुछ गलत, घर घर शराब पहुंचाने वाला कौन है? अरे सब स्टेट में शराब बिक रहा है, घर घर शराब कौन पहुंचा? सर्व स्टेट कौन पहुंचा? सर जहां एनडीए की मीटिंग चल रही थी, तो वही दूसरी तरफ बेंगलुरु में महागठबंधन का मीटिंग चल रहा था। और जिस तरीके से महागठबंधन का पहले का नाम UPA 1 और UPA 2 हुआ करता था, अब उस गठबंधन का नाम होगा इंडिया। यानी ये हम जानने के लिए पटना जंक्शन पर आए हुए कुछ लोगों से कि क्या एनडीए पर इंडिया भारी पड़ेगा या नहीं, या नरेंद्र मोदी 2024 में वापस आ पाएंगे या नहीं, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। ये बताइए कि क्या इंडिए पर इंडिया भारी पड़ेगा या नहीं? इंडिया भारी पड़ेगा, इंडिया भारी पड़ेगा जी, इंडिया पर, इंडिया पर। अरे मोदी जी शेर हैं, आप कह रहे कि भारी पड़ेगा? अरे काम तो दिखाई दे रहा है। क्या काम दिखाई दे रहा है? बोल देंगे तो बुरा लगने लगेगा। पुलवामा कांड, ये कुछ जनता नहीं जान रही है क्या हुआ पुलवामा? हमारे जवान शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए, पाकिस्तान के अटैक से शहीद हुए हैं। तो इंडिया भारी पड़ेगा, इंडिया भारी पड़ेगा, पड़ेगा भारी। कैसे भारी पड़ेगा? पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, कौन देख रहा है? भूखे कौन मर रहा है? मोदी जी ना, यहाँ पर भी तो पाकिस्तान भूखे मर रहा है। यहाँ पर भूखे नहीं मर रही जनता, कहाँ है जनता? 80 करोड़ गरीब को अनाज दे रहा है, 80 करोड़। हाँ तो 80 करोड़ अनाज, 80 करोड़ जनता को अनाज जो मिल रहा है, रोजगार है? रोजगार मिल, हर घर में रोजगार है, हर घर में रोजगार है, बताइए कहाँ रोजगार है? हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे ना, 9 साल में 18 करोड़ दिए कि नहीं दिए? 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिल गया। तब मरीन ड्राइव नहीं गया है जाके देखिए? अब तो देखिए आप लोग कहते हैं तो रोजगार मिल गया है तो आपको मालूम है तो हर घर को गैस सिलेंडर दिए, हर घर को अनाज दे रहे हैं, हर गरीब को आवास दे रहे हैं। गैस सिलेंडर तो कुल मड़ई पर रखा गया, खपड़ा पर रखा गया है। कैसे बोल रहे हैं? गैसवा भराएगा कहाँ से? 1200 का गैस है? 1200 महंगा है? 1200 महंगा नहीं है आपको? देश हित में महंगा है? देश हित में महंगा? मोदी जी जो काम करते हैं देश हित में होता है। राजस्थान में गैस कितना है? देश हित में जो भी है, सब देश हित में है। पेट्रोल 107 रुपए लीटर भी देश हित में है, देश हित में इतना नहीं कर सकते हैं? देश हित में यानी आदमी त्रस्त है यहाँ पूरा हर चीज से आकर है। त्रस्त अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आ जाएगा कि मोदी देखिए शेर पालिएगा तो महंगा खर्चा पड़ेगा ना। शेर पालेंगे तो खर्चा पड़ेगा? शेर पूरा जनता शेर हो गई, मोदी जी शेर है, अकेले सब पर भारी है। शेर है तो पूरी जनता भी शेर हो जाए, पूरा जनता भी तो शेर हो जाए। हाँ तो जंगल में मार न हो जाएगा? जंगल राजा कौन, राजा कौन? यानी एक शेर मार नहीं करेगा, पूरा शेर हो जाएगा तो मार होगा उसमें। अच्छा मोदी से क्या दिक्कत है? पूरा दुनिया में डंका बज रहा है, जहाँ जा रहे बॉस मोदी 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 हो रहा है। ठीक है मोदी मोदी हो रहा है, इन्हीं का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, धरातल पर भी दिखाई देना चाहिए, धरातल पर पैर छू रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए। ठीक है, जो कह रहे हैं इंडिया पर इंडिया भारी है, इंडिया पर इंडिया भारी है, भारी है। आप क्या कहिए, कौन भारी है? इंडिया भारी है, इंडिया भारी है। हाँ फिक्स है। मोदी जी क्या कहिएगा? मोदी जी 2024 में चले जाएंगे, 24 में चले जाएंगे। हाँ गुजरात, गुजरात, गुजरात में भी सीट नहीं मिलेगा, गुजरात में सीट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे कह रहा है, खास करके ये बोल रहे हैं अमित शाह जी कि अब की बार 350 पार। अरे तेरी कितना रोज झूठ बोलिएगा यार, कितना रोज झूठ बोलिएगा? क्या झूठ बोला? अरे 2 करोड़ रोजगार मिला है कहाँ, बताइए? नहीं मिल रहा है? क्या बात कर, कहाँ मिला है? हर साल 2 करोड़ मिल रहा है, कहाँ मिला बताइए? सरकारी नौकरी, पकौड़ा तलना भी रोजगार है? अरे तेरी बुद्ध के, तो उन्हीं को बोलिए पकौड़ा तलने के लिए, वहाँ तो आवरता पर्यटन आता गुजरात में। मोदी जी बोले कहने का पकौड़ा तलना रोजगार है? अगर जो पकौड़ा तोड़ना रोजगार है तो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी
नहीं उसको बैठना चाहिए। जनता चुनी है तो क्या है, जनता चुनी पूर्ण बहुमत से अकेले हैं, 303 सीट है, बहुमत से 303 से आबरी की बार 350 पार अब की उनका घर भी बचाना मुमकिन है, कुछ भी नहीं बचा, एक सीट भी नहीं आएगा, एक सीट भी नहीं आएगा, क्या बात करते हैं। अरे मोदी जी से क्या दिक्कत है? अरे मोदी जी से कुछ भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ये है कि महंगाई, देश बिकने नहीं देंगे, ये नहीं बिकने देंगे। कुछ मोदी जी बेच रहे हैं चाहे महंगाई, सब देश हित में हो रहा है, क्या दिक्कत? अरे तेरी बुद्ध के क्या चीज है, क्या चीज हुआ? देश हित में इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा महंगाई, देश हित में टमाटर कैसे किलो है यार, डेढ़ सौ कौन ज्यादा देश हित में भाई जी, मतलब कि मार जाए आदमी तब ठीक रहता है, देश हित में अगर एगो शहीद हो जाता क्या दिक्कत है? एगो शहीद होवे से नहीं हो भाई, ठीक मोदी जी शहीद हो जाखिन तो देश हित में सब काम ठीक हो जाए, देश हित में काम हो जाएगा तो यार मोदी जी है तो देश सुरक्षित है, अभी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, मोदी जी है तो देश सुरक्षित है कि नहीं? नहीं, चाइना थर थर काँप रहा है, पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, पूरा एकदम मत पूछिए, मत पूछिए, पूछिए मत आप। सर ये कहना चाहते हैं, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि अब की बार नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने में तो बिहार बेच के खा गया वो नीतीश कुमार। अच्छा। आप बोलते हो हमारे पास लैंड स्पेस नहीं है, हम कहाँ से रोजगार देंगे लगाएंगे? नीतीश जी का इंडिया भारी पड़ेगा या नरेंद्र मोदी जी का इंडिया भारी? कौन भैया, मोदी जी भारी हैं, पहले आपका जो इंडिया था, मोदी जी का पार्टी का नाम है एनडीए और नीतीश जी का पार्टी का नाम इंडिया हो गया, भारी कौन? एनडीए सबसे भारी, इंडिया पर इंडिया भारी, एनडीए मोदी जी की टीम जो है, इंडिया और इंडिया पर भारी कौन ही पता, इंडिया भारी या एनडीए भारी? इंडिया भारी है सर, इंडिया भारी है, हाँ। इंडिया कमजोर है, हमारा देश कमजोर है, इंडिया हमारा सर ये इंडिया नहीं है, द ऑल आर थीफ, एक अकेला सच्चा अकेले खड़ा है, बाकी जितने चोर खड़ा, 38 पार्टी है, 38 पार्टी कहाँ पढ़े हैं आखिर, हैं तो कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऐसे 10 जगह उनका मीटिंग, ये लोग सुनिए सुनिए, ये महागठबंधन का जो बैठक हुआ है, 26 पार्टियों का बैठक हुआ है और नरेंद्र मोदी जो बैठक की है 38 पार्टियां है, कौन बड़ा है? 38 पार्टी बड़ा है सर, तो फिर आप कैसे बोल रहे अकेला है? फिर भी सर एक चीज देखिए, 9 साल में आपका इंडिया किस लेवल पे था, अमेरिका के सामने औकात नहीं थी, पूछे मोदी जी का हमको कुछ काम ही गिना दे। मोदी जी का सबसे पहला आप काम गिनिए कि जिस भारत का औकात अमेरिका के सामने 30वें नंबर पे था, आज आपका इंडिया तीसरे लेवल पे है भैया, औकात पे मत जाइए, रोजगार देश में बोलिए, देश सर सर इसको कहिए, बोलवा रहे देश में, क्या पूछ रहे हैं देश में क्या काम किया? क्या नहीं है, जितना आपका नेशनल हाईवे है किसका देन है? किसका? पहले रोड नेशनल नहीं था हाईवे, इस तरह नहीं था, पहले नेशनल हाईवे नहीं था भारत में, इस तरह का नहीं था, इस तरह का नहीं था, पहले तो इतना आबादी भी नहीं था, आबादी तो सर हमारा आबादी के हिसाब से सब कुछ बढ़ता है मेरे भाई, इसको बढ़ रहा है, पांच काम गिना देने, पांच काम गिनवा दीजिए, गिना दीजिए पांच, पांच काम में तो भैया आप पहले देख लीजिए कि जितना हाईवे है वो हाईवे आपका सब बढ़िया है, पहले हम लोग डेवलपमेंट के मामले में आज आपके बिहार में ही लॉ कॉलेज है, क्या है क्या है वो, रुकिया अच्छा रुकिए रुकिए, ये बताइए कि मोदी जी जाके विदेश में बड़का बड़का भाषण दे रहे थे कि हर हफ्ता में भारत में एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी खुलता है, यानी एक साल में कितना हो गया बताइए? अब 365 होना चाहिए, 365 दिन हो गया, ठीक है ना, तो ये बताइए कि क्या आपको हर साल 20 कॉलेज खुलता हुआ दिखाई देता है भारत में? 20 से ज्यादा इस साल ही खुला है, पिछले साल ही खुला है आपके, आप सिर्फ बिहार को कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, भारत को बोल रहे हैं, पूरे भारत का, हाँ। यूपी में नजर उठा के देखिए, बिहार में देखिए, कहाँ डेवलपमेंट नहीं है, मोदी जी काम कर रहे हैं, और यहाँ बिहार में जो मोदी जी काम कर रहे हैं, बिल्कुल मोदी जी का काम गिनाते, मोदी जी आए पहला काम किया कि टमाटर का दाम देख लिया 150 रुपया के जी, टमाटर का दाम 150, गैस का पैसा सब्सिडी बंद हो गया सर, गैस का सब्सिडी कांग्रेस चार का सब्सिडी, वो सब देश हित में होता रहता है, नहीं महंगाई देखिए सर, महंगाई 400 से 1200 शेयर पालिएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगा, कहाँ शेयर क्या हो गया सर, मोदी जी शेयर है, कहाँ शेयर है, शेयर नहीं है सर, अंबानी अदानी के लिए देश हित नहीं है, गरीब के लिए ही देश हित है, मोदी जी शेर को चाहिए, गीदर है, गीदर है, पाकिस्तान कब काँप रहा था, हमेशा काँपते रहा है पाकिस्तान, और चाइना के आगू तो घुटना टेक दिए, अमेरिका के चाइना को पीछे भगा दिया, भागे पीछे काहे भागेगा, वो पीछे भागे वाला है ताकत किसी में, दुनिया में केवल देश के पास ताकत है कि चाइना को पीछे भगा देगा,
कोई के पास ताकत नहीं है। अरे आपका विकास है उसका विकास देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको देखिए। आप लोग बोल रहे हैं देशद्रोही है जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है क्या? अरे चाय ये एक प्लेटफॉर्म पे गुजरात के चाय बेचते थे। आप लोग देशद्रोही है। देशद्रोही तो वही हो सकता है जो राजा के गद्दी पर आज बैठा हुआ है। देश इतना काम करे आप लोग उनका विरोध करते, आप देशद्रोही नहीं है तो क्या? अरे देश के वो गद्दार हैं मोदी जी। मोदी जी हाँ, क्योंकि देश के अर्थव्यवस्था को इन्होंने पूरी तरह से चरमरा दिया। नंबर पर आ गया है हमारा आपका अर्थव्यवस्था जल्दी आएगा। आम अर्थव्यवस्था उनके कागज पर है। पुल बनने से पहले गिर किसके किसके सरकार में पुल बनी है इससे पूछ लीजिए। जब जिस टाइम नीतीश जी बना रहे भाई साहब गठबंधन था बीजेपी के साथ गठबंधन था, छोड़ के ये भागे हैं। पुल किसके निर्णय में बना? सबसे सुनिए सुनिए इधर सुनिए, पहली बात सुनिए, नीतीश जी नहीं पलटते हैं, उस सीएम का सीएम रहते हैं। वो नहीं पलटते, पलटे हैं नहीं जी। तो फिर वो पलटे क्या है? वो तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वो नहीं, लोगों सेकुलर लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, आज सरकार चला रहे हैं। आज वो पीएम के रेस में हैं। आज आज उस देश के सबसे अच्छे नेता गिनने जाते हैं नीतीश कुमार और राहुल गांधी। मतलब कौन सा रिकॉर्ड बना है नीतीश कुमार? अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने, विकास का दरिया बहा दिया बिहार में। देखिए ने हर सड़क विकास का दरिया बहा है, साल में दो बार पुल नीचे पुल बसने से किसी नहीं तो कहीं घटना ना। सुनिए ना नीतीश जी कितना खोले हैं यहाँ पर गरीब के लिए, यही पर रोजगार कर सके, कितना कारखाना खोले बताइए। इंडस्ट्री यहाँ नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? ये दुर्भाग है, ये दुर्भाग है। मगर शिक्षा शिक्षा का स्तर बर्बाद हुआ है। रोजगार दिए हैं, रोजगार दिए हैं, बिहार का शिक्षा बर्बाद है, रोजगार दिए हैं। भारत में बिहार का शिक्षा को बर्बाद कर दिया इन दोनों ने। बर्बाद तो हम पूरे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? बिहार में सरकार आपका है 17 साल। सुनिया 15 साल लालू जी रहे, 17 साल नीतीश जी रहे, 33 साल 32 साल में लोगों ने बर्बाद किया शिक्षा। आज शिक्षा को सुधारने में तो मंत्री लगे हुए हैं। मैंने आज याद है बर्बाद होने के बाद वही हाल है कि शराब बंद, सुनिए घर घर शराब खुलवा दीजिए और उसके बाद फिर कहिए कि शराब बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री का तो अच्छा पालता, नशा मुक्त बनाओ। अच्छा घर घर कौन बैठा था लाइसेंस? हम बैठे थे घरे घरे घर बंद है, दारू तो बंद है, पीना तारीख है, दारू बंद है। अब आप घर पैकेट में ले जाइए, बैग के अंदर ले जा रहे हैं, तो सरकार की गलती है क्या? सरकार की प्रशासन की गलती नहीं है? नहीं, हमारी और आपकी गलती है। प्रशासन के क्या गलती है? नहीं दारू बंद है बिहार में? नहीं नहीं मिल रहा है, घर घर और अधिक हो गया। दरुया कौन बचवाया? अरे नशा करने कौन करवाया? सुनिए ना नशा का लत कौन लगवाया? नशा करने वाला घर घर शराब पहुंचाने वाला कौन है? अरे सब स्टेट में शराब बिक रहा है। घर घर शराब कौन पहुँचाया? सब स्टेट कौन पहुँचाया? सब स्टेट पहले बताइए ना, घर घर शराब कौन पहुँचाया? हम आप पहुँचा कुमार पहुँचा है कि नहीं? हाँ। तो फिर क्या नीतीश कुमार कहाँ पहुँचा दिए? नशा करने वाला खुद हर गली में शराब, सुनिए हर गली में शराब का दुकान कौन? हम गांजा पी रहे हैं। नीतीश कुमार होता है, माँ बाप किसी का सिखाता है दारू पीजिए गांजा खुलवा है? नीतीश कुमार शराब खुलवाए तो नीतीश कुमार तो बंद भी तो करवाए, बंद हो गया है, बंद हो गया है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन जो 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 ड्रामा नहीं होता है, आप अभी अभी आप दारू पी के यहाँ पे रहिए, अभी तुरंत पुलिस प्रशासन लेकर चल, ड्रामा नहीं होता है। बिहार हित में नीतीश कुमार से बेटर नेता कोई नहीं है। बिहार हित में नीतीश कुमार करते, देश हित में मोदी जी तो अच्छा है। मोदी क्या, मोदी जी का आप भी सब पूछे, मोदी जी का 15 काम गिनवा दीजिए। अभी आप 5 को कह रहे हैं? नहीं 5 को गिनवा देते हैं। देखिए चाइना थर थर कांप रहा है, रोजगार पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। सुनिए चाइना से पाकिस्तान से हमको क्या मतलब? क्या मतलब? रोजगार में चाइना आंख दिखाता था, रोजगार में बात कीजिए। पहले चाइना आंख दिखाता था सर, बात कीजिए, भुखमरी से बात कीजिए, यही जंक्शन पे देखिए। थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही मंदिर के पीछे देखिए कितना बेरोजगार है, कितना खाने के लिए आदमी तरस रहा है। तो कहाँ जाकर रोजगार? ठेला लगाइए, पकौड़ा तलिए। तो कौन के? मोदी जी पकौड़ा तलिए। अरे कौन खाएगा बताइए यार, पकौड़ा हम लोग खाएंगे आएंगे तो खोलिए तो दुकान, सब लोग नहीं चलेगा तब रोजगार है, वो भी है पकौड़ा तलना, और क्या? अभी तल पकौड़ा तलते हैं। आप क्या करते हैं? क्या आप क्या करते हैं? हम लोग बेरोजगारी है। आप पकौड़ा नहीं बेचते हैं? नहीं मगर आप शुरू कर दीजिए कल से, मोदी जी का बात मानिए, मानिएगा। 24 में कौन आएगा?
24 में मोदी जी आएंगे, एकदम 24 में राहुल गांधी दुल्हन है तैयार है, दुल्हा तैयार बेंगलोर में तैयार हो गया। आज आज बेंगलोर में पहले बहाल होंगे तब हो गया बहाल सर, हो गया राहुल गांधी 2024। तुम लोग कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब बीजेपी का चल रहा है, कांग्रेस का नहीं चलता है। फिर कैसे करो, राहुल गांधी बरी कहा हुआ है? हो गया, आज बेंगलोर में बैठक हुआ ना, बेंगलोर में सुनो, राहुल गांधी अभी बरी नहीं हुए, हो गया वो नहीं बड़ी नहीं हुए, हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। चलिए समर्थन नहीं मिलेगा किसी को, कौन समर्थन नहीं मिलेगा, समर्थन तो किसी को नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर तमाम लोगों के प्रतिक्रिया को आप लोगों ने सुना, कुछ लोग कह रहे कि नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं आएंगे, कुछ लोग कह रहे कि नरेंद्र मोदी ही वापस आएंगे। तो साथियों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।